फिल्म की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्रेस है जो इस वक्त एक रास्ते से कहीं पर जा रही थी तभी सामने से एक नन सिस्टर आकर उस पर गन तान देती है जिसे ग्रेस बड़े गौर से देखने लगी इससे पहले नन ग्रेस को शूट करती ये सीन इधर ही कट हो जाता है अब हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रेस हॉस्पिटल में थी पता चला कि वो की वो आंखों के डॉक्टर है उसके पास एक मरीज जो बुरी औरत थी वो अपनी आंखों का इलाज करवाने आई और उसकी आंखों का जो मसला था उसे ठीक करना ग्रेस की बस में नहीं था इसीलिए वो सलाह देती है कि या आप अपना इलाज कहीं और से करवा लें या फिर मेरे सीनियर डॉक्टर से ही करवा लीजिए जो सुनकर वो मरीज और उसका हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं रात के वक्त ग्रेस जो अपने घर पर बैठी काम कर रही थी तो अचानक अजीब होने लगा घर की लाइट्स में गड़बड़ी होने लगती है जैसे की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होती होती बिल्कुल बंद हो तो जाती है जो देखकर ग्रेस को ऐसा एहसास होता है जैसे मेरे अलावा घर में और कोई भी मौजूद है अब जैसे उस दिन शीशी में देखा उसे अपने पीछे नंद दिखाई देती है उसने जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा अगले ही पल वो गायब हो गई जो देखकर ग्रेस काफी डर जाती है अब तभी डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर का फोन आता है जो ग्रेस को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत ही दुखी खबर सुनाने लगा हूं। एक कॉन्वेंट में तुम्हारे भाई की लाश मिली है कॉन्वेंट उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर नन सिस्टर्स फादर्स रहते हैं वो कहते हैं पर अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं हुई की उसने खुद अपनी जान ली या फिर उसे मारा गया है अब ये खबर सुनकर ग्रेस एकदम टूट गयी वो दुखी हो जाती है पर वो ये समझ नहीं पाती की आखिर मेरे भाई की लाश को कॉन्वेंट में कैसे ला गया उसकी मौत कहाँ कैसे हुई जो बाद में उसे वहाँ पर ले आये वो अब सीधा डिटेक्टिव से मिलने गई जहाँ पर अभी उसके भाई की लाश को मेडिकली चेक किया जा रहा था इसलिए तब तक तो डिटेक्टिव उसे उसे कॉन्वेट में ले गया जहाँ की बड़ी दिन ग्रेसी मिलने आई और उसे एक हैरान कुछ जानकारी देती है की तुम्हारे भाई को एक शैतान ने अपने कंट्रोल में कर लिया था जिसके काबू में आते ही उसने एक बड़े फादर को भी मार दिया जिसके बाद तुम्हारे भाई ने उस शैतान को रोकने के लिए अपनी जान ले ली और ये सब मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि हकीकत से जुड़े मुझे ख्याल और ये सारी चीजें मैंने अपने ख्याल में ही देखी है जो सुनकर ग्रेस काफी हैरान तो हुई पर इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था उसे ये सारी चीजें उसके हिसाब से बेकार थी क्योंकि उसे गॉड या शैतान किसी पर भी यकीन नहीं था जिसके बाद डिटेक्टिव उसे उसके भाई की लाश के पास लेकर आता है वो लाश को देख रही थी की तभी उसे अपने पीछे अजीब महसूस हुआ उसने जब पलट कर देखा तो वो उसकी भाई की आत्मा थी जो उसे कह रहा था की उसे चली जाओ क्यूँकी ये जगह बहुत ही खतरनाक है जो सुनकर वो काफी घबरा गई उसके जहन पर इतना गहरा असर हुआ की वो वही गिर कर बेहोश हो जाती है कुछ देर के बाद जब ग्रेस को होश आई तो उसके सामने एक फादर खड़े थे जिनका नाम मैग था और वो ग्रेस ग्रेसी उसके भाई और बड़े फादर की मौत की जानकारी लेने आई थी वो ग्रेस ग्रेसी सवाल करती है की क्या तुम्हारी फैमिली को पता चल गया है कि तुम्हारे भाई की मौत हो गई है जिस पर ग्रेस ने जवाब दिया कि मेरी फैमिली में अब मेरे डैड के अलावा और कोई नहीं है लेकिन वो भी यहाँ नहीं है उन पर मेरी माँ को मारने का इल्जाम है जिस वजह से वो जेल में कैद है जो सुनकर मैग काफी हैरान रह गई कुछ देर के बाद ग्रेस को एक विजन ख्याल आया जहाँ पर वो कुछ लोगों को देखती है जिन्होंने चेहरों पर मास्क पहने हुए थे और वो रिचुअल जादू कर रहे थे अब तभी भी यहाँ बहुत सारे वॉरियर्स योद्धा आने लगते हैं जिन्हें देख कर रिचुअल करने वाले सभी लोग डर की वजह से भागने लगते हैं और इसी के साथ रेस विजन से बाहर आ जाती है वो अब सीधा उस जगह पर जाती है जहाँ से उसके भाई की लाश मिली जो जगह पहाड़ के ऊपर बना चर्च था जो आधा टूट गया था ग्रेस बड़े गौर से चर्च को देख ही रही थी कि उसे पे से विजन आता है जहाँ पर बहुत सारी नंस चर्च ऐसी पानी में गोद कर अपनी जान ले रही थी। जो देखकर ग्रीस काफी घबरा गई और एक बार फिर वो बेहोश हो जाती है अबकी पर जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को कॉन्वेंट में पाती है जहाँ पर बाकी ने उसे भी अपने जैसे नन्स वाले कपड़े पहना दिए थे थी सब उठी और वहाँ से बाकी नन्स के पास आ जाती है वो बड़ी नन को कहती है की मरने से पहले मेरी बाई को काफी चोट लगी थी क्या हुआ था उसके साथ जो सुनकर बड़ी नन काफी हैरान रह गयी पूछती है की तुम ये बात कैसे जानती हो जबकि मरने से पहले तो तुम्हारे भाई को किसी ने भी नहीं देखा था अब उसकी इस बात का ग्रेस के पास भी कोई जवाब नहीं होता तो इस बात को टाल कर वो वही बैठ जाती है अब फादर मैग्रेस को उसी पहाड़ वाली चर्च के पास ले आते हैं और बताने लगे कि इन लोगों का मानना है कि यहाँ एक खतरनाक शैतान रहा करता था जिसने यहाँ की बहुत सारी नंस की जान ले ली पर ये बातें सिर्फ किताबों में ही लिखी है हकीकत क्या है कोई भी नहीं जानता ग्रेस वहाँ पड़े एक पत्थर को देखती है जिस पर एक क्रॉस के ऊपर सांप का निशान बना हुआ था अब मैग उसे बताती है कि उस शैतान की नावा नंस की मरने का एक दूसरा तरीका भी है अगर किसी नन्स ऐसी कोई गुनाह हो जाए जिसका उसे बहुत पछतावा हो रहा हो तो उस गुनाह को धोने के लिए वो इस चर्च ऐसी पानी में कूद कर अपनी जान लेती है जो सुनकर ग्रेस की होश उड़ जाती है थोड़ी देर बाद उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर गयी जहाँ वो ग्रेस को उसके भाई ऐसी जुड़ी सारी चीजें दे देती है यानी की उसका सामान वगैरह जिसमे एक डायरी भी थी जिसे खोल ग्रेस पढ़ना शुरू कर देती है ये डायरी काफी अजीब जुबान में लिखी हुई थी लेकिन फिर भी ग्रेस किसी तरह उसे पढ़कर समझने की कोशिश करती है डायरी ऐसी यू भी पता चला की ग्रेस अपने भाई की सुतेरी बहन थी उसके भाई की मोम डैड ने ग्रेस को गोद लिया था और ग्रेस के पास कुछ ऐसी ताकतें थी जिस वजह से वो विजन देख सकती थी और इसी के साथ हमें पास्ट यानी माजी का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर एक दिन ग्रेस की डे जहाँ कहीं पर जा रहे थे पर बाद में पता चला कि उसकी डैड की मौत हो गई है जो कर ग्रेस काफी टूट गई वो बहुत दुखी होकर अपने डैड को याद करने लगी उसने रो रो कर ये दुआ की कि मेरी डैड किसी तरह वापस आ जाए हैरान कुन ये हुई कि उसकी दुआ पूरी हो गई सच में उसकी डैड वापस आ गयी जिन्हें देखकर ग्रेस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं बच पर हमने नोटिस कर लिया कि उस दुआ की बात से ग्रेस की जिंदगी में उल्टी और बुरी बुरी चीजें होने लगी ऐसा लग रहा था कि वो दुआ शैतान ने सुन लिया जिसे पूरा करने के बदले अब उसे ग्रेस से भी कुछ चाहिए खैर अब ग्रेस इस पास्ट ऐसी वापिस आ सीन प्रेजेंट में आया तो ग्रेस खिड़की से बाहर देखती है जहाँ पर एक नंद काफी घबराई हुई भाकर कहीं पर जा रही थी तब ग्रेस भी उसका पीछा करने लगती है लेकिन तभी वो नन चाकू से अपने बाजू की नशे काट लेती है उसका बहुत तेज खून बहने की वजह से वही उसकी मौत हो गयी लेकिन फिर अगले ही पल वो नन बिल्कुल ठीक हो जाती है उसकी नसें में ठीक थी खून भी नहीं आ रहा था क्यूँकी नसें काटने वाली चीज ग्रेस का विजन था जो देख ग्रेस एकदम हैरान रह गयी डिटेक्टिव बड़ी नन के पास आकर उसे सवाल करने लगा की जब ग्रेस की भाई की लाश को यहाँ लाया गया तब तो पुलिस के यहाँ आने से पहले उसकी लाश को साफ किसने किया था क्योंकि ग्रेस ये सवाल उठा रही है कि अगर मेरे भाई ने छी खोद कर अपनी जान ली है तो फिर उसके जिस्म पर मिट्टी क्यों नहीं लगी या ऐसा कोई निशान क्यों नहीं है उसका जिस्म बिल्कुल साफ कैसे था जिस पर बड़ी नन कहती है कि उसे साफ मैंने किया था ताकि उसका फ्यूडल यानी उसे अच्छी तरीके से दफन किया जाए यहाँ बड़ी नन डिटेक्टर को भी वही बात बताती है कि शैतान ने ग्रेस के भाई को पहले अपने कंट्रोल में किया फिर बड़े फादर को मरवा दिया अब आगे वो शैतान किसी और के ना दे ली इसीलिए ग्रेस के भाई ने छत ऐसी कूद कर अपनी ही जान दे दी पर यहाँ ग्रेस की तरह डिटेक्टिव को भी इस बात पर यकीन नहीं होता जिसके बाद हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रेस की डेड वापस तो आ गयी थी पर उनकी हाव भाव साथ ही बर्ताव भी काफी बदल गया था पहले जहाँ गॉड पर उनका बहुत यकीन था और वो यकीन पूरी तरह गॉड पर से उठ गया था साथ ही वो अपने बच्चों और बीवी को भी पिंजरों में बंद करके रखती थी फिर एक दिन जब उनकी वाइफ ने उनकी कैसे भागने की कोशिश की तो ग्रेस की डैड ने उनका पीछा किया और सीधा उनकी जान ही ले ली घर आकर फिर उन्होंने अपने बच्चे को पकड़ लिया क्योंकि वो उन्हें भी मारना चाहती थी पर ठीक वक्त पर पुलिस वहाँ आई और उन्हें गिरफ्तार कर ली थी और तब अपनी वाइफ की मौत के जुर्म में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया जिसके बाद वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर ग्रेस मैक्सी मिलने आई उसे बताती है की हमारे मॉम की मरने और डैड के जेल में जाने के बाद मैं और मेरा भाई इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गई थी तब इस पहाड़ वाले चर्च ने हमें गोद लेने की कोशिश की इसी वजह ऐसी मेरा भाई यहाँ आया होगा वरना कभी नहीं आता उसकी ये बात सुनकर मैग गए पर मुझे तो बड़ी मैम ने कुछ और ही बताया था उसने कहा था कि तुम्हारा भाई पहाड़ वाली उस चर्च से एक खास किस्म की चीज लेने आया था जिसका नाम रैली खे पर जब उस पहाड़ पर अर्थ क्रिके जज न आया तो आधा चर्च टूटने की वजह से वो रैली पानी में गिर गया कहा जाता है की वो चीज शैतान को प्रोजेस्ट करने अपने कंट्रोल में करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसका लोग गलत इस्तेमाल करना चाहते थे अब हम फिर से पास का सीन देखते है जहाँ पर चर्च से एक फादर और नन ननग्रेस और उसकी भाई को गोद लेने आए थे जब उन दोनों को फादर और नन के हवाले किया गया तो वो गाड़ी में बिठाकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगे पर रास्ते में फादर ने ग्रेस की बाइक को गाड़ी से उतार दिया और सिर्फ ग्रेस को ही लेकर वो आगे बढ़ने लगी अब रास्ते में फादर ग्रेस को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि वो उसको बेहोश करना चाहती थी पर इस बीच सामने से आने वाले ट्रक पर उनका ध्यान ही नहीं गया गाड़ी ट्रक से जोरदार टकराई और उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है अब प्रेजेंट टाइम में ग्रेस उस खास चीज रहने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है वो इस वक्त कॉन्वेंट में थी जहाँ तभी उसी बेसमेंट ऐसी अजीब तरह की आवाजी आने लगती है इसलिए ये वहाँ चेक करने जाती है वहाँ पड़े लकड़ी पर जैसे वो हाथ रखती है उसे फिर से विजन आने लगता है जिसलिए वो देखती है की वो बड़े फादर जिसे ग्रेस की भाई ने मार दिया था वो बड़ी नन और बाकी नर्स मिलकर उसके भाई को इस लकड़ी के नीचे दबा मारने की कोशिश कर रही है क्यूँकी लकड़ी के नीचे ताबूत है वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसके भाई ऐसी रैली के बारे में जान सके तब यहाँ उसके भाई ने अपनी जान बचाने के लिए बड़े फादर को ही मार दिया ये देखकर ग्रेस इस ख्याल से बाहर आई काफी घबराई भी हुई इतनी ही देर में यहाँ एक नयन आई जिसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था क्योंकि वो ग्रेस को मारने आई थी उसका कहना था कि ग्रेस एक शैतान है जिसे मरना ही होगा नन चाकू लेकर जैसे ग्रेस को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगी कि तभी कोई अनजान न दिखने वाली ताकत नन को पकड़ लेती है उसका हाथ रोके रखती है उस ताकत ने ऐसे करके ग्रेस को बचा लिया जिसके बाद वो ताकत उस नन को ही मार देती है अब ग्रेस वहाँ ऐसी सीधी जेल में गयी अपने डैड ऐसी मिलने ताकि उन्हें बता सके की मेरे भाई के साथ क्या हुआ वो वो जब अपनी डेड से बातें कर रही थी तो डेड अजीब तरह से बर्ताव करने लगी कहते है की मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी डेड की तो कब से मौत हो गई है मैं दरअसल एक शैतान हूँ जिसे तुमने ही है जहनुम से दुआ करके बुलाया है जी हाँ सच में मैंने ही तुम्हारी पुकार सुनी थी और तुम्हारे अंदर भी एक शैतान है और अब तुम चाहो तो अपनी शैतानी ताकतों ऐसी अपने मरे हुई भाई को वापिस बुला सकती हो तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हारे अंदर का शैतान तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा जो सुनकर रिस काफ उड़ती है रैली के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है जिस पर यहाँ बड़ी नन ये राज खोलती है कि रैली कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान है जो भी और कोई नहीं बल्कि ग्रेस ही है उसका दरअसल उसे ही नहीं नहीं चर्चा था ये बात हालांकि ग्रेस भी जानती है पर अभी फिलहाल उसे कुछ याद नहीं आ रहा क्यूँकी उसके अंदर एक शैतान है जो उसे हर वक्त करके रखता है इसलिए वो अक्सर चीजें भूल जाती है अभी शैतान वाली बात सुनकर डिटेक्टिव को काफी हैरत तो गयी पर उसे खास यकीन नहीं आता दूसरी तरफ ग्रेस जब चर्च में आई तो वहाँ खड़ी नैन उसे कहती है कि मुझे बड़ी नैन ने सब कुछ बता दिया है कि यहाँ पर जितनी भी मौतें हो रही हैं उन सब की जिम्मेदार तुम हो और अब अगर मैं भी मारी गई तो इसके पीछे की वजह भी तुम ही होगी क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा और खतरनाक शैतान हो अब तभी यहाँ एक और नैना जाती है जिसने ग्रेस के शैतान को देख लिया था जिससे वो इतना डर गई थी कि उसने अपनी आँख ही फोड़ ली और अब वो यहाँ ग्रेस से इस चीज का बदला लेने आई थी उसे मार कर उसके हाथ में चाकू था हमला करने वो जैसी आगे बढ़ी ग्रेस के अंदर शेता एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है उसे रोके रखता है ग्रेस की जान बचाने के लिए फिर पटक कर नंद को पीछे देकर मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है ये देखकर दूसरी नंद वहाँ से भागी वो चाकू उठाती है और अपनी नसें काट कर अपनी जान लेने की कोशिश करती है जो चीज़ ग्रेस ने पहले अपने ख्याल में देख ली थी पर उस वक्त तो नंद बच गई थी अब नहीं बच पाती हालांकि ग्रेस ने उसे रोकना भी चाहा पर नसें काट कर उसने अपनी भी जान ले ही ली अब यहाँ से सीधा ग्रेस मैग के पास आई उसे कहती है कि मैं जानती हूँ यहाँ चल रही सारी बुरी चीजों के पीछे की वजह मैं ही मई इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें इस शैतान से कैसे भी करके मुझे छुटकारा दिलवा दीजिए प्लीज जिसके बाद मैं ग्रेस को एक जगह पर लेकर आई जहाँ पर हर तरफ डायरी वाली जुबान लिखी हुई थी और अब यहाँ ग्रेस को उसकी सच्चाई बताने लगती है की आखिर वो कौन है अब हमें वो सीन दिखाया गया जहाँ पर मास्क पहने लोग रिचुअल कर रहे थे पर जैसे वहाँ वॉरियर्स आई वो डर की वजह से वहाँ से भागने लगे अब बाकी सारे लोग तो भागने में कामयाब रहे पर एक बच्चे को वॉरियर्स ने पकड़ लिया था वो बच्ची को अपने साथ ले गई और उसे पहाड़ वाले चर्च में ला कर बंद कर देती है वो बच्ची ही रैलिक थी यानी की ग्रेस जो कई सौ सालों ऐसी जिंदा थी और अपने इस बच्ची वाले रूप में थी क्यूँकी सच में वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है जिसकी वो रिचुअल करने वाले लोग पूजा कर रहे थे क्यूँकी उन सब का भी शैतान पर जब अर्थ की वजह से चर्च टूटा तो ग्रेस वहाँ ऐसी भाग गयी थी जिसके बाद उसे गोद ले लिया गया अब जब पेज में आता है तो मैग्रेस को मारने का सोचते है इससे पहले वो कोई वार करते पहले ही ग्रेस का शैतान उन पर हमला कर देता है वो ऊपर से एक नौ मैग के ऊपर गिराता है नौकदार चीज उनके गले के आर पार हो गई जिससे मैग की मौत हो जाती है और ये चीज देखकर कर ग्रेस को काफी बुरा लगा उसे दुख हुआ क्योंकि बेशक उसके अंदर शैतान है पर कहीं न कहीं उसके अंदर अच्छाई भी मौजूद है उसे एहसास हुआ की मैं बहुत बड़ी गुनागार हूँ मेरी ताकतों की वजह से न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली गई तो अब अपने इन गुनाहों को धोने के लिए वो चर्च की छत पर जाकर वहाँ से कूद जाती है ताकि उसकी मरते ही शैतान का भी खात्मा हो जाए और उसके सारे गुनाह धुल जाए वो जब नीचे गिर रही थी तो यहाँ हमें बताया जाता है की जब जब ग्रेस को ऐसा महसूस होता है की मेरे आस पास कोई है या जब जब हर खतरे ऐसी उसकी जान बचती थी तो वो और कुछ नहीं बल्कि उसका शैतान और उसकी शैतानी ताकते हुआ करती थी जो हर खतरे ऐसी उसे बचा लेती थी जैसे की सबसे पहले बचपन में जब नन और फादर उसे अपने साथ बिठाकर गाड़ी में ले जा रहे थे तो उसने जान बोझ कर ट्रक ऐसी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया उसने सारी नंस को मारा था जो खुद छत ऐसी नहीं कूदी थी और मैग भी उसके शैतान की वजह ऐसी ही मारे गयी यहाँ हमें ये बात भी पता चली की ग्रेस की भाई ने खुद ही अपनी जान ली थी क्यूँकी उसने ग्रेस की जान बचाने के लिए उसे छुपा दिया था पर बड़ी नन और बाकी नन्स ने मार मार कर उसे उगलवा ही लिया था कि वो कहाँ है तो इस बात की वजह से उसके भाई ने कूद कर अपनी जान ले ली जब उसका भाई नीचे गिर रहा था तो ग्रीस भी वहीं पर थी पर उसकी शैतानी ताकतों की वजह से वो किसी को दिखाई नहीं दे रही अब अग अगले दिन डिटेक्टिव बाकी पुलिस ऑफिसर से ग्रेस की लाश के बारे में पूछताछ करता है पर किसी को भी उसकी लाश मिली ही नहीं थी इसीलिए डिटेक्टिव इस बारे में बड़ी नंद ऐसी सवाल करता है जिस पर वो कहती है की ग्रेस मरी नहीं है क्यूँकी उसकी खतरनाक शैतानी ताकती उसे मरने ही नहीं देती हर बार बचा लेती है और अब अगले सीन में हम इसी बड़ी नंद को देखते है जो जब जा रही थी तो उन्हें ग्रीस एक जगह पर नजर आई जिसके पास आकर वो गन्न ता देती है और ये वही फिल्म की शुरुआत वाला सीन है और अब जैसे बड़ी नंद उस पर गोदे चलाने लगी अंग्रेस की ताकतों की वजह से एक गाड़ी आकर बड़ी नंद को टक्कर मार देती है जिससे वही उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है यानी कि उसके शैतान ने हमेशा की तरह इस बार भी उसकी जान बचा ली और आगे भी बचाता रहेगा अब यहाँ ग्रेस की आवाज़ हमें बताती है की मेरे भाई ने एक बार कहा था की मेरे पास मेरा गार्डियन एंजल है जो हमेशा मेरी हिफाजत करेगा यानी की शैतान पहले मुझे यकीन नहीं था पर जब पहली बार उसने मेरी जान बचाई थी तब से मुझे पक्का यकीन हो गया जो हमेशा हर खतरे से मेरी हिफाजत करता रहेगा और मैं उसका मकसद पूरा करती रहूंगी यानी कि दुनिया में तबाही लाना यानी कि ग्रेस को खत्म करना बहुत ही मुश्किल था उसका और उसके शैतान का जड़ से खात्मा करने के लिए उन जैसी ताकतें चाहिए होंगी और इसी ड्राउनी एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यही आरोप खत्म हो जाती है